करते हैं इंडिया। आज का विषय हमारा है पैर और हमारे फुट जो हैं, जो पैर हैं उनको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, उनको कैसे रिलैक्स किया जाए। और हमारे पास ये देख रहे हैं आप, आगे एड़ी है और पीछे देख रहे हैं यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे मसल्स और नर्व्स हैं। जो पैरों के नर्व्स हैं वो थाउजेंड्स में हैं और हमारे नर्वस सिस्टम से उनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लंबा है। होता क्या है कि हम सारा दिन शूज़ पहनते हैं, आप ऑफिस में जाते हो शूज़ पहनते हो, घर में पहनते हो शूज़, इन्होंने भी शूज़ पहने हुए हैं, मैंने भी। तो सारा दिन जब ये शूज़ हैं, आप शूज़ देख रहे हो किस तरह के बने हुए हैं, ये हमारे पैरों को कंप्रेस कर देते हैं, आगे से कंप्रेस हो रहे हैं हमारे पैर जो आगे से कंप्रेस हो रहे हैं, तो हमें स्ट्रेस फील होती है, टेंशन फील होती है। और यहाँ पर हमारे जो मसल्स हैं वो स्टिफनेस बहुत महसूस होती है आपको, तो बहुत स्टिफनेस रहती है हमारे, और धीरे धीरे ये पेन में कन्वर्ट हो जाती है। और पैरों की एक्सरसाइज हम कुछ बता रहे हैं, अब हम अपने जूते उतारिए और अपने देखिए कि पैरों की क्या हालत है। सारा दिन जूते पहन के अगर हम दौड़ते भी हैं, वॉकिंग भी करते हैं, तो जूते पहने हुए हैं। बेसिकली हमारा जो डिज़ाइन था, जो गॉड ने हमें पैर जो हमें गॉड ने पैर दिए थे, ये नंगे पैर हमें चलने के लिए दिए थे, वेयर नेक्ड फुट। लेकिन हम लोग यूज हो गए जूते पहनते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन है, हमें जूते पहनने ही पड़ते हैं। अब देखो हमारे पैरों की कंडीशन क्या हो गई है, ये जो मसल और नर्व्स हैं ये बहुत स्टिफनेस है, बहुत स्टिफनेस है, रिलैक्स्ड नहीं है। तो इनको रिलैक्स करने के लिए आज हम कुछ पैरों के व्यायाम बताने जा रहे हैं। देखो कि यहाँ पर आप अपने पैर खोलिए, ऐसे सीधा बैठिए, आप सिर्फ अंगूठा उठाइए, अंगूठा उठाइए अपना सिर्फ, और बाकी उंगलियां नहीं उठानी। देखो नहीं उठ रहा, नहीं उठ रहा, बाकी उंगलियां भी उठती हैं। आप क्या करें, अंगूठे को नहीं उठाना, बाकी उंगलियां उठानी, उठाइए, कोशिश करिए, कोशिश करिए। देखो इसका मतलब काफी स्टिफनेस है। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि ये हमारे पैर हैं, ठीक है। अब इसको आप टेढ़ा करिए, जरा उंगलियों को अपनी घुमाइए, आगे करिए घुमाइए, आगे करिए घुमाइए, आगे करिए घुमाइए। आप देखिए पैरों को रोटेशन दीजिए, पैरों को रोटेशन दीजिए, क्लॉकवाइज दे रहा हूं मैं, आप थोड़ी एंटी क्लॉकवाइज करिए, एंटी क्लॉकवाइज करिए, एंटी क्लॉकवाइज करिए। ये जो जॉइंट्स हैं, और ये देखिए पैरों को जरा घुमाइए घुमाइए। अब देखिए कि ये पैर की उंगलियां जो है ना, जूतों के कारण मेरी दब गई हैं। अब अपना अंगूठा ये पैर हाथ में लीजिए और उंगलियों को इसमें डालिए, पैर के अंदर हाथ से डालिए सारी उंगलियां, मैंने डाली। अब कुछ समय के लिए इसको थोड़ा दबाइए, आपको कुछ देखिए थोड़ी सी मामूली सी पेन महसूस हो रही है, लेकिन ये उंगलियां मैं खोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपस में जम गई है, खोलना। इसी तरह मैं इसको एक मिनट तक कर सकता हूँ और धीरे धीरे ये रिलीज करेंगी मेरी फिंगर्स को, देख रहे हैं आप, मैं इस पे प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ। अब इसी तरह मैंने दूसरे पैर को लिया, ये मेरा दूसरा पैर है, यहाँ पर भी देखिए मैंने उंगलियां डाली हैं अपनी पैरों के अंदर, ये उंगलियां मैं फंसा रहा हूँ पैरों के अंदर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुकी हैं, कंप्रेस हो चुका है। अब मैं इसका थोड़ा प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, देखो। अब आपको जब पेन होती है तो उसका गेन होता है, यहाँ पर हमें प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सारी नर्व्स और ये जो हमारी मसल्स हैं बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो चुकी हैं। अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, हम अपनी एड़ी पर खड़ी होइए आप कुछ समय के लिए, देखिए फील करिए स्ट्रेंथ है, एड़ियों को मजबूत करना है। अब पीछे ये एंकल्स पे गया था मैं, अब मैं एड़ियों पे आ रहा हूँ, एड़ियों पे आ रहा हूँ, फिर एंकल्स पे आ रहा हूँ, फिर एड़ियों पे आ रहा हूँ, फिर एंकल्स पे आ रहा हूँ, फिर एड़ियों पे आ रहा हूँ। इस प्रकार मैं दिन में कई बार एक्सरसाइजेस कर सकता हूँ। अब देखिए कि हमने एक बॉल का इस्तेमाल करना है, अब आपने बॉल रखी अपने पैर के नीचे और देखिए ये मूवमेंट दी है मैंने, अब बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है। अच्छा लग रहा है। ये देखिए सारे पैर के अंदर हमारी मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, सारे पैर के अंदर मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, और ये हम कुछ मिनट कर सकते हैं एवरी डे। हमारे कोशिश है कि जो स्टिफनेस है, जो कंप्रेशंस हो रही हैं हमारी मसल्स में, हमारी वीन, हमारी जो भी नाड़ियां हैं, नर्व्स हैं, उनको रिलीज करना चाहते हैं, उनको रिलीज करना चाहते हैं, पैरों को रिलैक्स करना चाहते हैं। अब मैंने ये बॉल दूसरे पैर में ले ली है, मैं इसको एक मिनट की एक्सरसाइज डेली कर सकता हूँ अपने घर में, कभी भी किसी भी वक्त। ये सारे एक्सरसाइज हम कभी भी कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं, तो बॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी और ऑब्जेक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो अब आप ऐसे रखिए अपने पैर, उंगलियों को पूरा खोलिए, कोशिश करिए उंगलियां ज्यादा से ज्यादा खुले, देखो खुलती नहीं है, खोलो, अब इनको बंद करो, खोलो बंद करो, खोलो बंद करो, खोलो बंद करो, खोलो बंद करो, खोलो
बंद करो। आप देखिए कि हम ये कह रहे हैं कि ये जो पैर होते हैं ये एक्चुअली में जो गॉड ने हमें दिए थे नेक्ट की दिए थे, जानवर तो कभी जूते पहनते नहीं, आपने देखा है। तो अगर अगर हम नेचर या घास पे या बीच पे भी बेयर फुट वॉकिंग करते हैं तो बहुत अच्छी होती है। आइए मेरे साथ घास के ऊपर थोड़े समय के लिए। तो सुबह हम कुछ समय नेक्ड नंगे पैर घास में चलने की कोशिश करते हैं। देखो हमारे पैरों में कितनी वो मिल रही है सुकून, आपको कितना रिलैक्स मिल रहा है। तो हमारे आप बताइए अपना नाम जगदीश। तो जगदीश जी, जब आप इतना समय जूते पहनते हैं आपको लगता नहीं कि आपके पैर बहुत दब गए हैं और रात को बड़ी पेन भी कई बार होती है, तो हमें इनको रिलैक्स करना चाहिए। और अगर हम छोटे छोटे व्यायाम करें, छोटे छोटे पैरों की एक्सरसाइज करें और थोड़ी मतलब साइंटिफिकली साइंस को समझें, तो हमें पता है अभी हमारे मसल हैं और बहुत सारी नाड़ियाँ हैं, वीन्स हैं, वो सब दब रही हैं। अगर हम उनको हर कम से कम हफ्ते में 2-3 बार एक्सरसाइज करके उन्हें रिलैक्स कर लें तो पैरों पर काफ़ी हमें आराम मिलेगा, मोबिलिटी मिलेगी, स्ट्रेच मिलेगी और स्ट्रेंथ मिलेगी। तो आप जो तरीका आपने बताया वो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हम सोचते हैं क्यों ना इसको एक हैबिट बना लें कि हफ्ते में 3 दिन हम इसको करेंगे, जिससे कि और बाकी अगर हम इसमें वीडियो डाल रहे हैं ताकि बाकी लोग इसका बेनिफिट ले सकें और इनको शेयर कर सकें मैं दोस्तों के साथ। तो नमस्ते, फिर नेक्स्ट टाइम आपको फिर मिलते हैं किसी और नए चैलेंज के साथ। नमस्ते।